हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ICSI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, CSEET कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये है क्या? जो हमारे फ्रेंड्स CS एस्पिरेंट्स हैं, जो पहले CS फाउंडेशन के नाम का एंट्रेंस टेस्ट दिया करते थे टू गेट प्रमोटेड टू द CS एग्जीक्यूटिव लेवल, अब हमें CS फाउंडेशन नहीं देना, रादर वो रिप्लेस हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है एक नए पैटर्न, एक नए मोड ऑफ एग्जामिनेशन से जिसका ही नाम है CSEET। आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं गाइस। सो CSEET एज आई सेड स्टैंड्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भाई आखिर इस चेंज को लाने का रीजन क्या था, व्हाट ऑल न्यू सब्जेक्ट्स न्यू पैटर्न हैज बीन एडेड, क्या रिप्लेस हो गया है, ये सारी बातें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीजें बच्चों के दिमाग में इस वक्त हर जगह एक क्वेश्चन है कि भाई वाइवा वॉइस नाम का एक नया टॉपिक, नया 30 मार्क्स का पॉइंट ऐड हुआ है, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, वी आर गोना डिस्कस एट लेंथ एवरीथिंग। सो व्हाट वुड हैव बीन द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूट टू ब्रिंग दिस चेंज? गाइस, बात बिल्कुल सिंपल है। सी द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड इज चेंजिंग ड्रास्टिकली, राइट? इसका इंपैक्ट भी हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिया की कंपनीज की बात करें तो वेरी रिसेंटली जो कंपनी लॉ है हमारा, उसने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशंस इंपोज की हैं हमारी कंपनीज पे। अब ये कंपनीज खुद से तो ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है, और यहां रोल आता है हमारे कंपनी सेक्रेटरीज का। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर होते हो, की मैनेजमेंट होते हो, आप इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तो सिर्फ एक पार्ट है। यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट्स, ड्राफ्टिंग द मिनट्स, द नोटिसेस, ठीक है? यू कंडक्ट द जनरल मीटिंग, द बोर्ड मीटिंग। तो कहने की बात यह है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन कंपनी सेक्रेटरीज इज ह्यूज, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारा इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस किए हैं एंट्रेंस टेस्ट में। हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होकर के आगे एग्जीक्यूटिव लेवल तक जाएं जिनके अंदर प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं, राइट? तो वही मैं बात कर रही हूं कि दिस ब्रिंग्स मी टू द सिलेबस कि भाई एग्जैक्टली करिकुलम क्या है हमारे इस नए फॉर्म ऑफ एग्जाम का। तो गाइस देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वी हैव 4 पेपर्स इन द CSEET मॉड्यूल। द फर्स्ट पेपर इज द बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है? सेकेंड पेपर इज लीगल एक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग। द थर्ड इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट। एंड द फोर्थ इज हैज 2 पार्ट्स, वन इज करेंट अफेयर्स, द अदर इज वाइवा वॉइस। टेंशन की बात नहीं है, एक एक टॉपिक वाइवा वॉइस पे तो मैं बहुत ही ज्यादा आज फोकस करने वाली हूं। तो अगर हम बात करें कि भाई सब्जेक्ट्स तो कुछ चेंज हुए हैं, बट विद दैट कि हमारा पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हमारे मार्क्स किस हिसाब से होने वाले हैं, तो आप देख सकते हो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट दैट इज ईच पेपर, पेपर 1, 2 एंड 3 विल कॉम्प्राइज ऑफ 35 क्वेश्चंस, राइट? 35 क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो भी MCQ के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, राइट? इनके जो मार्क्स होंगे विल बी 50 मार्क्स ईच फॉर द फर्स्ट 3 पेपर्स, ठीक है? और जो हमारा फोर्थ पेपर है करंट अफेयर्स का, वो जो हमारा फोर्थ पेपर है दैट इज ऑल्सो 50 मार्क्स, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहले पार्ट का नाम है करंट अफेयर्स, राइट? करंट अफेयर्स जो है उसमें 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं फॉर 20 मार्क्स, ठीक है? तो अभी तक की बात वाइवा वॉइस को हटाते हुए ये हुई कि 120 प्रश्न होंगे, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, दैट विल गिव यू 170 मार्क्स, ऑलराइट? अगर हम इसका भी बाइफर्केशन की बात करें कि मैम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कितने मार्क्स के होने वाले हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में, एटलीस्ट फर्स्ट 3 पेपर्स में 15 MCQ 2 मार्क्स के और 20 MCQ 1 मार्क ईच के होने वाले हैं। वहीं पेपर 4 के पार्ट ए जो कि करंट अफेयर्स था, उसमें जो नंबर ऑफ MCQs होंगे विल बी 15, राइट? 5 MCQ 2 मार्क्स ईच, 10 MCQ 1 मार्क ईच। तो अभी तक जो हमने पूरा कवरेज किया क्वेश्चंस का और मार्क्स का, दैट वर 120 MCQs, इसको आपको करना होगा 120 मिनट्स में, ठीक है? और ये आपको दिलाएंगे 170 मार्क्स, ऑलराइट?
अब सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक जो कि बच्चों के दिमाग में आ रखा है कि भाई ये वाइवा वॉइस, व्हाट एग्जैक्टली इज वाइवा वॉइस। तो देखो इंस्टीट्यूट की अगर हम माने तो 15 मिनट का हमारा जो एक एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, विल बी अ टेस्ट ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैम ये क्या बात है, देखो हमारा जो एमसीक्यू पेपर भी होगा दैट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट। अब ये जो वाइवा वॉइस वाला जो 30 मार्क्स का हमारा पार्ट है, ये इंस्टीट्यूट कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड पे होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इट इज अगेन अ कंप्यूटर बेस्ड थिंग विद सम काइंड ऑफ आप स्पीच रिकॉग्निशन जैसे बोलते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कुछ कुछ उस बेसिस पे होगा, ठीक है। हम इसकी और बात करेंगे अभी कि भाई वाइवा वॉइस जो कि 30 मार्क्स का है उसमें इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली क्या आपका टेस्ट करना चाहता है। तो एज आई सेड कि कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं बहुत ज्यादा रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग और एक कम्युनिकेशन लेवल पे उनका काम बहुत ज्यादा होता है, तो इंस्टीट्यूट वॉन्ट्स टू टेस्ट कि भाई जो हमारे प्रोफेशनल्स अल्टीमेटली बनने वाले हैं उनकी ये स्किल्स किस तरह से हैं, ठीक है। इस स्किल्स को टेस्ट करने के लिए उसने वाइवा वॉइस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द लिसनिंग स्किल्स, then the written communication skills and then the oral skills, ठीक है। तो अगर इसका भी bifurcation आप देखना चाहो तो listening skills में kind of ये क्या लिखा हुआ है कि भाई audio clips kind of कुछ होगा, ठीक है, audio clips आपको दी जाएंगी आपकी listening skills कि भाई आप उन monologues को, उन dialogues को किस तरह से, कितने बेहतरीन तरीके से listen कर पाते हो, right? आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी कि भाई आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आपको तुरंत ऐसे लिखना होगा, शॉर्ट नोट राइटिंग्स वगैरह करनी होंगी, ऑल दीज स्टफ्स। और ओरल कम्युनिकेशन में यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर सम क्वेश्चंस और यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मोटे मोटे बात करें तो वाइवा वॉइस काइंड ऑफ एक स्पीच रिकॉग्निशन या फिर कुछ हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स पे, डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी, उनके बेसिस पे हमारे ये स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज एट स्टडी एट होम वी हैव आर फैकल्टीज जो कि आपको हर पॉइंट पे, हर सब्जेक्ट पे स्पेशली इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करके आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो अगर एक सम अप करके मैं बात करूं तो वी कैन से इन अ समरी कि भाई 120 एमसीक्यूज जो हैं दैट इज फॉर 170 मार्क्स और वो आपके 120 मिनट में पूरे होंगे। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली या फिर इंस्टीट्यूट का कहना है कि उसके तुरंत बाद, एमसीक्यू असेसमेंट खत्म होने के तुरंत बाद आपका ये वाइवा होने वाला है जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, और वो 30 नंबर के होंगे और 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, तो काफी डिटेल्ड में आपने इस चीजों को समझ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी हैं दोस्तों जो कि मैं चाहती हूं आपको बताना कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम होने वाला है, राइट, सिंगल डे एग्जाम होने वाला है ये सीएसईईटी। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा, दैट इज यू विल हैव अ क्वेश्चन टू विच यू हैव 4 सॉल्यूशंस, आपको उसमें से एक चीज टिक करनी है, राइट। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एमसीक्यू होने वाला है दैट कैन बी इधर 1 मार्क एमसीक्यू और 2 मार्क्स एमसीक्यू, राइट। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं कुछ आगे चर्चा करती हूं आपसे कि भाई हमें क्या सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। सी द पॉइंट इज द गुड न्यूज इज वी डोंट हैव अ नेगेटिव मार्किंग, ऑलराइट। तो अगर हमें कोई आंसर आता भी नहीं है बट हमें इंट्यूशन ऐसा लगता है कि भाई दिस कैन बी अ प्रोबेबल आंसर, तो हमें कुछ भी छोड़ करके नहीं आना है बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, हमें सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है, राइट। हमारा जो ये सीएसईईटी एग्जाम है ये साल में 4 बार कंडक्ट होने वाला है, एज यू कैन सी मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। गाइज हमें मिनिमम हर सब्जेक्ट में हमें 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। आई मीन अगर हमारा जो ये पेपर 50 मार्क्स का हुआ करता था, इस 50 में से मिनिमम कम से कम 40% 20 मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। लेकिन जो एग्रीगेट है, जो हमारा 200 नंबर का एक पूरा सीएसईईटी का पेपर है, उसमें हमें मिनिमम 50% मतलब 100 नंबर तो आने ही आने चाहिए, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई 20 से काम नहीं चलेगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, आपको कुछ ज्यादा लेकर के आना होगा टू कंप्लीट दैट एग्रीगेट ऑफ 100 मार्क्स। दैट बींग सेड, What exactly will I teach you? How will I guide you in CSEET? So I myself, CA Agrika, I'll be taking paper 1 of your CSEET, which is business communication, guys. ठीक है? तो अगले 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगी कि भाई what does the institute test in this paper 1? तो paper 1 business communication में broadly speaking हमारे 2 parts हैं। The first part is about the English grammar thing.
द सेकेंड पार्ट इज द बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ग्रामर की अगर बात करें गाइस, तो ऑल दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट, द एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, देन वी हैव द सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजंबल्स, प्रिसाइज राइटिंग, समरी राइटिंग, ये सारी चीजें. और कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पे टेस्ट होती है आपकी स्किल्स की, भाई आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल आप अपने बिजनेस आइडियाज को किस तरीके से रिटन ओरल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर पाओगे. फॉर एग्जांपल नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मैनेजरियल रिप्रेजेंटेशन, लेटर्स राइटिंग, ठीक है, ईमेल्स वगैरह एंड सो ऑन. सो आई वुड से दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है, और फिर एक और चीज है कि भाई बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, हम हमारा जो लास्ट चैप्टर है ऑन दिस बिजनेस वन पेपर इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी. तो गाइस होपफुली मैंने आपको रिक्विजिट इंफॉर्मेशन CSEET के बारे में दे दी है. गाइस वी एट स्टडी एट होम, हमारे फैकल्टीज आपको हर सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाले हैं. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बिगिन दिस जर्नी विद यू ऑल. थैंक यू सो मच.